और अब देखेंगे खेल जगत की खबरें। और खेल की खबरों के साथ गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ खास खेल की खबरों में? शुक्रिया रमा। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे पेरिस पैरालंपिक की खबरों के साथ, जहां पर प्रीति पाल ने रविवार को देर रात 200 मीटर टी 35 रेस में कांस्य पदक जीता। इस पदक के साथ ही प्रीति ने इतिहास रच दिया, क्योंकि वो पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई। इस स्पर्धा में प्रीति ने 30.01 सेकंड में दौड़ पूरी कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इससे पहले प्रीति ने महिलाओं की टी 3500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता था। उन्होंने 14.21 सेकंड का समय लिया था, जो कि उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी था। वहीं पेरिस पैरालंपिक 2024 के चौथे दिन भारत को निशात कुमार ने मेंस हाई जंप में टी 47 में सिल्वर मेडल दिलाया। निशात ने 2.04 मीटर के सीजन बेस्ट के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पेरिस पैरालंपिक ये भारत का 7वां पदक रहा। निशात शुरुआत से ही गोल्ड मेडल रेस में बने हुए थे, लेकिन उन्हें आखिर में सिल्वर से संतोष करना पड़ा। निशात ने टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। वहीं पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यतिराज से आज देश को स्वर्ण पदक की उम्मीद रहेगी। सुहास यतिराज पुरुष बैडमिंटन सिंगल SL4 के फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे। फाइनल में यतिराज का मुकाबला टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता लुकास मजूर से होगा। वहीं इसी प्रतियोगिता में सुकांत कदम जो हैं वो कांस्य पदक के लिए उतरेंगे, जहां उनका इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावान से मुकाबला होगा। वहीं पेरिस पैरालंपिक के पांचवें दिन आज भारतीय शटलर नितेश कुमार जो हैं वो भी पैरा बैडमिंटन सिंगल SL3 के फाइनल में अपनी चुनौती पेश करेंगे। फाइनल में नितेश का मुकाबला ब्रिटेन के बेथल डैनियल से होगा। सेमीफाइनल में नितेश कुमार ने जापान के डाइसुके फुजीहारा को सीधे सेटों में हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप की, जहां पर जर्मनी में आयोजित हो रही इस चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जो है वो जारी है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय निशानेबाजों ने 5 पदक अपने नाम किए, जिसमें 1 स्वर्ण समेत 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल रहे। भारत की ओर से धनुष श्रीकांत ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि शौर्य सैनी और महित संधू ने इसी इवेंट में रजत पदक जीता, जबकि नताशा जोशी और मोहम्मद मुर्तजा ने कांस्य पदक को अपने नाम किया। और अब बात कर लेते हैं साल के चौथे ग्रैंड स्लैम US ओपन की, जहां पर अमेरिका के फ्रांसिस टिफोय के जीत का दौर जारी है। टिफोय ने अंतिम 16 के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्से पॉपेरिन को 6-4, 7-6, 6-2, 6-3 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही टिफोय ने प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में टिफोय का सामना अब ग्रिगोर दिमित्रोव से होगा। वहीं एक अन्य अंतिम 16 के मुकाबले में जर्मनी के अलेक्जेंडर जुरेव ने भी अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा को हराकर को 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 से हरा दिया। अलेक्जेंडर जुरेव का क्वार्टर फाइनल में सामना अब अमेरिका के टेलर फ्रिट्स से होगा। वहीं उधर ग्रिगोर दिमित्रोव भी अपना